लाठी डंडे चले और तोड़फोड़ हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस मौके पर मौजूद है, शोएब भी मौके पर है, वो पूरी कहानी आपको बताएंगे कि हुआ क्या। शोएब, बिल्कुल राहुल, ये एक पति पत्नी का विवाद था जिसको काफी समय से लेकर 4 साल पहले विवाद चलता, उसको लेकर आज एक पंचायत के अंदर की, और जब पंचायत से तो दोनों पक्ष जो थे वो सामने हो गए। जो आरोप लड़की पक्ष था उसको पंचायत के अंदर बिठा लिया गया, और जो दूसरा पक्ष था उसने बाहर जो थे मकान तोड़ फोड़ करी। उसके बाद दोनों जो थे वो सामने हो गए, जमकर इन सब ने वहां पर लाठी डंडे चले और बाकाते मारते लोग थे सबको पीटा गया, और जो था मौजूद कुर्सियां को भी तोड़ दी। पूरे घटनाक्रम पर आधा दर्जन से लोग ज्यादा घायल हुए। सबसे बड़ी बात पुलिस वहां मौत। चलिए शोएब, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बिजनौर से बड़ी अहम खबर है। सरकारी प्राथमिक स्कूल में कमरे के भीतर खून से लथपथ, गर्दन कटी लाश मिलने से स्कूली बच्चे दहशत में आ गए। आनंद फानंद में स्कूली बच्चों की छुट्टी कराकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। यकीन मानिए, बच्चे वहां पढ़ने गए थे और वहां एक सर कटी हुई लाश मिली। सरफराज खान इस वक्त जुड़े हमारे साथ हैं। सरफराज, कुछ जानकारी हुई, ये किसकी डेड बॉडी थी, कैसे प्राथमिक स्कूल में आई? जी देखिए, अभी जो प्रथम दृश्य जो बात सामने आई है राहुल, ये आई है कि ये पड़ोस का एक फतियापाड़े का जो है युवक है और इसका नाम मोहम्मद एहसान है, और ये जो है नशेड़ी था। जो एसपी से हमारी बात, उसका ये कहना था नशेड़ी था, और इसके पास से जो मौका है वारदात से जहां पर बॉडी पड़ी हुई थी वहां पर जो है ब्लेड पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी जो है पीएम के लिए भेज दिया है बॉडी को, और पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी है राहुल। शुक्रिया आपका सरफराज। कन्नौज से बड़ी खबर है, रेलवे विभाग की आपको लापरवाही दिखाएंगे कि कितनी बड़ी लापरवाही उन्होंने की है। दो युवकों की जान जोखिम में आ गई। असल में इलेक्ट्रिक लाइन का तार ठीक कर रहे थे और काम करते समय अचानक ट्रेन आ गई। कन्नौज रेलवे स्टेशन का ये मामला है। देखिए इनकी जान आफत में कैसे आ गई। अंकित इस वक्त हमारे साथ है। अंकित, ये बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इनकी तो जान भी आ सकती थी। जी आपको बता दें, पूरा मामला कन्नौज रेलवे स्टेशन का है। यहाँ पे ये आए दिन होता है उपाधि, नई इलेक्ट्रिक लाइन का वर्क चल रहा है, उस पर नीचे ट्रेन गुजरती रहती है, ऊपर वर्क के कर्मचारी करते रहते, कोई भी अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेता है। अगर कोई अचानक भूल बस कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जुर्मेगा कौन। शुक्रिया अंकित शुक्ला आपका इस जानकारी के लिए। संभल से खबर है जहां पर आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई है, और इस मारपीट में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए हैं। जमकर पथराव और लाठी डंडे चले हैं। खूनी झड़प में बताया जा रहा है कि एक की दर्दनाक मौत हुई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिला अस्पताल में परिजनों का हंगामा देखने को मिला। थाना नखासा के सिरसी का यह मामला है जो खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर है, छिन्मयानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले में सबसे पहले एसआईटी गठित कीजिए। आईजी की निगरानी में एसआईटी टीम जांच करेगी, यानी आईजी इसकी जांच करेंगे। लड़की ने संस्था के खिलाफ शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि देखिए, संस्था के खिलाफ शिकायत की गई है, एसआईटी जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच इसकी सुनवाई करेगी, यानी लखनऊ खंडपीठ करेगी, क्योंकि बेंच वही है, बहुत स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है, चीफ जस्टिस को बेंच बनाने के लिए कह दिया गया है। अवेश बताएंगे आपको पूरी जानकारी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट भारत समाचार की तरफ से कवर भी करते हैं। अवेश, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ जो एलएलएम की छात्रा ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था, उसमें आज फिर लंच के बाद पीड़िता से मुलाकात की, उस पर बातचीत की, और तफ्तीश में लगभग 30 मिनट के आसपास से बातचीत की। उसके बाद फिर जस्टिस भानुमति अपनी कोर्ट में आई और उन्होंने तफसीली आदेश जो है वो लिखवाया है। उस आदेश में सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में एसआईटी का बड़ी बात आवेश ने बताई है कि अब एसआईटी गठित करने का निर्देश दे दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। सिग्नेचर बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है। 4 बजे इसका उद्घाटन होना, यानी ठीक अब से थोड़ी देर बाद, जबकि 4 हो गया है। जहां एक और अखिलेश ने ट्वीट कर दिया है और इसका श्रेय लेने की कोशिश की है, तो वहीं सरकार की तरफ से सीएम के मीडिया प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए आप।
सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। हालांकि डीजीपी ओपी सिंह समेत पुलिस की तमाम इकाइयों के अफसर जून से ही यहां बैठ रहे हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिग्नेचर बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट किया कि सिग्नेचर बिल्डिंग का शिलान्यास सपा शासनकाल में हुआ था, लेकिन अब सरकार इसका उद्घाटन कर रही है। अखिलेश ने जहां योगी सरकार पर सपा कार्यकाल के दौरान हुए शिलान्यासों का श्रेय लेने का आरोप लगाया, तो वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार की तरफ से सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने अखिलेश पर पलटवार किया है। सीएम के मीडिया सलाहकार ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए लिखा कि सपा शासनकाल में यूपी अराजकता का पर्याय बन गया था। अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल में प्रदेश में बढ़ी आपराधिक घटनाओं को नहीं भूलना चाहिए। अखिलेश पर निशाना साधते हुए मृत्युंजय कुमार ने कहा कि श्रेय लेने की होड़ में अखिलेश को अपने कार्यकाल की सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए। आपको बता दें कि सिग्नेचर बिल्डिंग की नींव सपा सरकार में अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान रखी गई थी और वर्तमान योगी सरकार ने इसका काम पूरा करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस खबर पर अनूप कुमार हमारे संवाददाता हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, इस वक्त मौजूद हैं, सिग्नेचर बिल्डिंग पर ही मौजूद हैं। अनूप, श्रेय लेने की तो होड़ मची है, लेकिन उद्घाटन कितनी देर में हो रहा है, क्या शुरू हो गया है कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस विभाग का यह मुख्यालय है सिग्नेचर बिल्डिंग में जो है आज जो है उद्घाटन के लिए तैयार है। औपचारिक उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें यहां की, आप देख सकते हैं कि जो सामने पीछे मेरे मंच दिखाई दे रहा है, यहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अभी और यहीं से जो है इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से यहां पे मुकम्मल कर ली गई हैं। जो तमाम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, जो पूरे पुलिस विभाग के जो तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी हैं वो अपने परिवार के साथ इस भव्य समारोह में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, उसके बाद इस बिल्डिंग का जो है औपचारिक डीजीपी कुछ ही देर में यहां पे पहुंचने वाले हैं। अगर हम इसके हाईटेक होने की बात करें तो माना जा रहा है कि एशिया की ये पहली बिल्डिंग है जो जहां पे उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय जो है यहां पे पूरी तरह से सम्मानित किया गया है। तकरीबन नौ मंजिला ये इमारत में जो है नवे तल पे खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी बैठते हैं। इसके अलावा अच्छा नजर बना के रखिए, आगे भी आप जानकारी लेंगे। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं पहुंचे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। कानपुर में केडीए की रोक के बाद माफिया निर्माण करा रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। कानपुर विकास प्राधिकरण की रोक के बाद भी माफिया निर्माण करवा रहा है, विश्वनाथ गुप्ता इसका नाम है जो अवैध निर्माण करवा रहा है। मानकों के विपरीत बहुमंजिला निर्माण हो रहा है, ध्यान आपको ये देना है, ये मानकों के विपरीत हो रहा है। जूनियर इंजीनियर की मिली भगत से अवैध निर्माण हो रहा है, ओएसडी आलोक वर्मा ने इसके आदेश जारी किए, पत्र जारी कर निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। फीलखाना के थाना प्रभारी निरीक्षक को पत्र भेजा गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन एक में अवैध निर्माण हो रहा है। खबर यह है कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने रोक लगाई है, उसके बावजूद एक दबंग ये काम कर रहा है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, कानपुर विकास प्राधिकरण के रोक लगाने के बावजूद ये काम कैसे हो सकता है, किसके शय पे हो रहा है? जी मैं आपको बता दूं कि ये सब पूरा जो है केडीए से मिली भगत से हो रहा है। पहले तो केडीए की बिल्डिंग सीज करी जाती है, उसके बाद जो है वहां से जो कार्रवाई भी करी जाती है और आदेश भी किया जाता है कि अब इस पे कोई निर्माण नहीं होगा, जिसका लेटर भी जारी होता है वो थाना अध्यक्ष को भी भेजा जाता है, लेकिन थाना अध्यक्ष इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और ना ही केडीए के। विवेक ये बहुत क्लियर बता रहे हैं कि केडीए ने ही रोक लगाई है और केडीए ने ही दूसरे तरीके से काम शुरू करने का आदेश दिया है मिली भगत करके, ये जानकारी विवेक पांडे ने दी है। आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई लगभग आधी पूरी हो चुकी है, ध्यान आपको देना है कि आधी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट आज से मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुन रहा है। सुनवाई शुरू होने पर सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन को धमकी भरे पत्र का जिक्र आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो इस पर कल सुनवाई करेंगे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 16 दिन तक हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी थी। हिंदू पक्ष की तरफ से रामलला के विराजमान और निर्मोही अखाड़ा ने अपना पक्ष रखा। ये आप जान ही रहे हैं कि इसमें कुल तीन पक्ष हैं, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष।
रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े की बात सुन ली गई है 16 दिनों में, और अब बारी मुस्लिम पक्ष की है। मुस्लिम पक्ष के वकील को धमकी भी मिल रही है, यानी राजीव धवन को। वाराणसी से खबर है जहां पर प्रधान डाकघर में करोड़ों के गबन का मामला सामने आया है। डाक विभाग ने 4 कर्मचारियों पर केस भी दर्ज करवा दिया है। और भारत समाचार ने यह खबर बहुत पहले आपके संज्ञान में लाई थी, यानी हम दर्शकों के लिए कह रहे हैं, हम उन्हीं के लिए काम करते हैं और उनको रिपोर्ट भी किए थे। 4 कर्मियों समेत एजेंट पर केस दर्ज करवाया। कैन थाने में विभाग से दर्ज करवाया गया केस। पूरे मामले में जांच के लिए टीम गठित की गई। करीब 150 खाता धारकों के अकाउंट से गायब है पैसे, जिनके पैसे होने चाहिए उनमें पैसे नहीं है। कर्मचारी और एजेंट के मिलीभगत से ये खेल हो गया है। डाकघर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, चूंकि इन्होंने गलती की इसलिए। एजेंट जो थे उन्होंने पेपर दिया, वही सब दिया, और उन्होंने ही पूरा घपला किया। कितना अमाउंट था आपका? मेरा अमाउंट 18 लाख रुपए। अब कितना है? 8 लाख रुपए। मेरा PPF में खाता था, सेविंग अकाउंट में खाता था। PPF में मैं जब खाता था उसमें मेरे 8 लाख रुपए थे, उसमें से 4,000 रुपए बचे हैं। सेविंग में जो खाता था उसमें से भी निकाला गया है पैसा। PPF में एक में 2.5 लाख रुपया था, उसमें से 1 लाख रुपया बचा हुआ है खाते से। उसमें 2,10,000 MIS मेरे फादर का मेरे नाम था, उसने उसको तोड़ के बाबू से मिलके उसको ले लिया। अभी आज तक अराउंड 150 कंप्लेंट्स सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में रिसीव हो चुका है। कंप्लेन की इंक्वायरी शुरू हो गई है कल से ही। अलग टीम बना दी गई इंस्पेक्टर्स की, अगल हमारे और भी डिविजन इंस्पेक्टर्स को हम लोगों ने रिक्विजिशन किया। सब अकाउंट सारे लोग अलग अलग RD के कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, MIS में कर रहे हैं, जितने तरह का नेचर ऑफ कंप्लेन में आया है वो सारा इंक्वायरी हो रहा है। खबर उन्नाव से है, बहुत ही अहम खबर है उन्नाव से। यहां पर चौकी इंचार्ज का अजब गजब कारनामा सामने आया। पिटाई करते घूस लेते इनका वीडियो वायरल हुआ है, गांजा लेते पैसे देते वीडियो सामने आया है। और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर बड़ा शर्माता है। एक तरफ तो सिग्नेचर बिल्डिंग बन रही है इनके लिए, दूसरी तरफ रहम की भीख मांगने वाले की पिटाई की गई। जाजमऊ चौकी इंचार्ज का नाम अवध राज है और इन्होंने ही सब खेल खेला है। तस्वीरें देखिए आप, और जो पीछे ये लोग बात कर रहे हैं उसे भी सुनने की कोशिश कीजिए। पिटाई करते और घूस लेते इनका वीडियो वायरल हुआ है। और इसी तरह से कुछ खबर है, यानी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लगातार इस तरह कर रहे हैं, जबकि जीरो टॉलरेंस की बात है। बहराइच में कानून गो सत्येंद्र सिंह को घूस लेते पकड़ा गया है। एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ लिया है। पट्टे पर नाम बदलने की एवज में ये घूस ले रहे थे। पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से इसकी शिकायत की। मौके पर घूस की रकम भी बरामद की गई। पहले ही 50,000 की घूस ये ले चुके थे सदर तहसील से, इनकी गिरफ्तारी हुई। और ऐसे भ्रष्टाचारी कानून गो लेखपाल जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसे गिरफ्तारी किया जाए। और उत्तर प्रदेश की जेलें कैसे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आजमगढ़ की जेल अय्यासी का अड्डा बन चुकी है। जेल में अपराधी मौज उड़ा रहे हैं, जेल में वो बड़े आराम से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दर्जनों एंड्रॉयड मोबाइल फोन मिल चुके हैं। कैदी जेल में खुलेआम नशा कर रहे हैं। जेल अफसरों की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। एक बड़ी खबर है, डासना के गांवों में किसानों की हुकार। बिजली विभाग के खिलाफ इन्होंने धरना दिया है। SDO और जूनियर इंजीनियर और कर्मचारियों पर आरोप लगा है। रघुनाथपुर बिजली घर का घेराव किया है। SDO और जूनियर इंजीनियर को हटाने की मांग कर रहे हैं। मसूरी थाने के रघुनाथपुर का ये मामला है। और आखिर ऐसा ये क्यों कर रहे हैं किसान, क्यों SDO और जूनियर इंजीनियर को हटाना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गाजियाबाद के डासना गांव के किसानों ने ऐसा किया है, बिजली विभाग के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि SDO और जूनियर इंजीनियर ये हटाए जाए। ऐसा किसान क्यों चाहते हैं? रघुनाथपुर बिजली घर का इन्होंने घेराव किया है। SDO और जूनियर इंजीनियर को हटाने की ये मांग कर रहे हैं। मसूरी थाने के रघुनाथपुर का ये मामला है, बड़ी खबर है। गाजियाबाद के डासना गांव के किसान इसलिए धरना दे रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि यहां बिजली विभाग में तैनात SDO को हटा दिया जाए, बिजली विभाग में तैनात जूनियर इंजीनियर को हटा दिया जाए। यानी ये किसान इनसे त्रस्त होंगे। तो बिजली विभाग के खिलाफ धरना दिया गया है। लोकेश समय बताएंगे कि आखिर
किसान ऐसा क्यों चाहते हैं कि एसडीओ और जनरल इंजीनियर को सस्पेंड किया जाए? लोकेश देखिए राहुल, पिछले लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं वो लोग कि लगातार इन गांव के अंदर की खेती किसानी का समय है, यहाँ पर बिजली की सप्लाई की नहीं जाती और अनर्गल बिल बना करके दिया जाता है। और इसी बात को लेकर के आज कई गांव के किसान एक साथ इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने जाकर के जो रघुनाथपुर गांव है इसके बिजली घर पर जाकर प्रदर्शन किया है। और इनका मानना यह है कि जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही बरतते हैं, वो सही करते हैं, जबकि इसी बात को लेकर के इन सभी किसानों में गुस्सा भी है। शुक्रिया आपका लोकेश। सीतापुर से खबर है इसके बाद। सीतापुर में युवक की पिटाई हो रही है, बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है, मानसिक रूप से विकसित युवक की पिटाई की गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की जान बचाई है। महोली कोतवाली क्षेत्र के उदरौली की यह घटना है और आए दिन इस तरह की खबरें पिछले 10 से 15 दिन में खूब सामने आ रही है। बसंत इस वक्त हमारे साथ है, सीतापुर से संवाददाता है। बसंत, ऐसा क्यों किया भीड़ ने, किसको क्यों मारा पीटा? राहुल जी, मैं आपको बता दें, मिश्रित कोतवाली के उरदौली का मामला है, जहाँ पे मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक था। ग्रामीणों को लगा कि ये बच्चा चोर है, उसको उसी के आरोप में पकड़ के पीटना शुरू कर दिया। हालांकि वहां पर कुछ लोगों ने डायल 100 को सूचना दी, मौके पर पहुंची डायल 100, पुलिस ने युवक को कब्जे में ले लिया। किसी तरह से ग्रामीणों से उसकी जान बचाई और मोहली पुलिस भी मौके पहुंच गई थी, उसको लेकर के अपने कब्जे में ले आई। लेकिन तब तक युवक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक था वो काफी घायल हो चुका था, इसका इलाज के लिए उसको रिफर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह यानी भीड़ आजकल टारगेट कर रही है। बसंत भी इसी को बता रहे हैं, मानसिक विक्षिप्त था, उसको मारने पीटने लगे और उस पर आरोप लगाए बच्चा चोरी का। और इसी तरह की खबर फतेहपुर से है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह पर लगाम नहीं लग पा रहा है। बच्चा चोरी के शक में युवक को बेरहमी से मारा पीटा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को भीड़ से बचाया है। खखेरू थाने में कोट गांव के बस स्टेशन की यह घटना है और इस तरह की खबर उत्तर प्रदेश में लगातार आ रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यह अफवाह है। उत्तर प्रदेश के DGP ओपी सिंह ने भी इस बात की जानकारी दी और भारत समाचार ये मुहिम लगातार चला रहा है। भारत समाचार ने इस पर कई डिबेट्स की। भारत समाचार ने द डिबेट के जरिए भी आपको जागरूक करने की कोशिश की, दोपहर वार के जरिए भी जागरूक करने की कोशिश की और अखाड़ा के जरिए भी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चा चोरी के शक में लगातार मानसिक विक्षिप्त लोगों को या जिनके थोड़े कपड़े गंदे रहते हैं उन्हें मारने पीटने की कोशिश की जा रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई सूचना मिले तो आप डायल 100 को सूचना दीजिए, आप उन्हें बताइए कि ये इस पर हमें शक है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाह लगातार फैल रही है, बच्चा चोरी के शक में लोगों की पिटाई की जा रही है। हम आज आपको आजमगढ़, अमेठी और सीतापुर में बच्चा चोरों की पिटाई की खबर दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं। पुलिस और प्रशासन की लाख कोशिशों के बीच बच्चा चोरी की अफवाहें और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आजमगढ़। ताजा मामला आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के खपुरा गांव का है, जहां लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए एक मूक बधिर और मंदबुद्धि व्यक्ति को बिजली के खंभे से बांध कर बेरहमी से पिटाई की। पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। निश्चित रूप से अगर ऐसा आरोप है, बच्चा चोरी का आरोप है, निश्चित तौर से इसमें हम लोग बड़ी कड़ी कार्रवाई करेंगे इसमें, किंतु अभी हमें केवल वीडियो मिला हुआ है और वीडियो के जरिए हम लोग पहुँचने का प्रयास गाँव में कर रहे हैं। चाहे गाँव के प्रधान हो, BDC मेंबर हो, कोई भी आदमी क्यों न हो, जो भी इस कृत्य को किया है उसके विरुद्ध हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें करेंगे। अमेठी। वहीं अमेठी में बच्चा चोरी की अफवाह के मामले में 9 मजदूरों की भीड़ द्वारा की गई पिटाई के मामले में एक मजदूर की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के साथ गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है और 6 मजदूरों का अमेठी के ही जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अमेठी में बच्चा चोरी के आरोप में 9 मजदूरों को स्थानीय लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था। सीतापुर। उधर सीतापुर में एक महिला को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी के शक में पकड़ा है। सीतापुर जिला मुख्यालय पर लोगों ने महिला को बच्चा चोरी के शक में पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि बच्चा चोरी के इस मामले में कितनी सच्चाई है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से प्रदेश में बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, वो बड़ा गंभीर विषय है। खुद सूबे के डीजीपी ने इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। राजधानी दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने अपने ही साथी छात्रा और उसके पिता को अगवा कर लिया। इस स्टूडेंट ने इजी मनी के लिए एक सिविल इंजीनियर और उनकी बेटी को अगवा कर लिया और परिवार वालों से 1,30,00,000 की फिरौती मांग डाली, लेकिन 12 घंटे में पुलिस के जाल में फंस भी गया। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आए इस युवक को देखिए। ये इंदिरापुरम इलाके का रहने वाला अवनीत है। इस युवक ने अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा और उसके पिता का अपहरण कर लिया था। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वैशाली इलाके में रहने वाले सिविल इंजीनियर कुणाल सेन और उनकी 17 साल की बेटी मंदिर पूजा करने के लिए निकले थे, लेकिन कई घंटे बाद भी वो घर नहीं पहुंचे। घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही इस छात्र ने पिता और बेटी का अपहरण कर लिया और फोन कर 1,30,00,000 रुपए की फिरौती भी मांग ली, जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छानबीन शुरू की और इस छात्र के चंगुल से दोनों को सकुशल छुड़ा लिया। इनका सुबह अपहरण हो गया था और इसकी एक रैंसम कॉल जो बॉम्बे में इनकी बहन रहती है उसके पास गई थी। पुलिस उस रैंसम कॉल के बाद एक्टिवेट हुई इंदिरापुरम की और उसने सर्विलांस के जरिए और अन्य माध्यमों से लगातार जो बात होती रही उसे सर्विलांस पे लिया। पुलिस के मुताबिक अवनीत और सिविल इंजीनियर कुणाल की नाबालिग बेटी के बीच पुरानी दोस्ती है और इसी दोस्ती का हवाला देकर आरोपी ने कुणाल और उनकी बेटी को मंदिर से लौटते हुए घर पर चाय पीने के लिए इनवाइट किया। आरोप है कि घर पहुंचते ही उसने कुणाल और उसकी बेटी को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया और दोनों के साथ जमकर मारपीट की। हमको और मेरी बेटी को सुबह सुबह बुला लिया और दोनों को बांध दिया और बहुत मारा, मारपीट मारते मारते हालत खराब कर दिया, आंख तो खराब कर दिया और बंदूक लगा के मारने लगा। पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया और उससे एक स्विफ्ट गाड़ी और एक बाइक भी बरामद की है। अब इस मामले में पुलिस अन्य पहलुओं की जांच भी कर रही है कि कैसे ये प्लान तैयार किया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हैरत की बात ये भी है कि आरोपी ने अकेले ही इतना बड़ा प्लान अंजाम दे दिया। लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। केरल के राज्यपाल बनाए जाने पर आरिफ मोहम्मद खान ने भारत समाचार से खास बातचीत की है, आप भी इनकी बात सुनिए। संसद भवन में प्रधानमंत्री के बयान के बाद सुर्खियों में आए आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल बनाया गया है। आरिफ साहब, सबसे पहले बधाई। क्या प्राथमिकताएं हैं राज्यपाल के बनने के बाद? राज्यपाल की प्राथमिकताएं संविधान तय कर देता है। राज्यपाल का काम है राष्ट्रपति जी के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में ये सुनिश्चित करना कि विधि के द्वारा चुनी गई सरकार विधि के अनुसार कार्य करेगी। संविधान के शब्द और आत्मा दोनों का सम्मान करेगी और उसके साथ सरकारी योजनाएं जिनका उद्देश्य प्रदेश का विकास, प्रगति, खास तौर से अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाना, ये देखना है कि किस तरह हम प्रदेश सरकार को, प्रशासन को और दूसरे लोगों को, आम आदमी को प्रोत्साहित कर सकें कि इस प्रक्रिया में और तेजी लाई जा सके। आरिफ साहब, कल कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली है कि ये अपेक्षित फैसला था, जिस तरह के उनके बयान आ रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको बीजेपी जल्द पुरस्कृत करेगी। उनको पूरा हक है कहने का और मैं उनकी टिप्पणी पर कोई मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं, मैं अब राजनीतिक सवाल जवाब में उलझना नहीं चाहता। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। और इधर खबर यह है कि कौशाम्बी जिले में पुलिस मित्र बनाए जाएंगे 500। पुलिस मित्र के लिए चिन्हित किए जा रहे हैं लोग। थानादारों को पुलिस मित्र बनाने के निर्देश दिए गए, यानी जो थाना अध्यक्ष होंगे वो यही तय करेंगे पुलिस मित्र किसे बनाया जाए। पुलिस मित्र का आई कार्ड बनेगा, पुलिस मित्र हो रहे अपराधों की जानकारी देंगे पुलिस को एसपी के निर्देश पर। इसकी खोज शुरू हुई है, यानी 500 ऐसे लोगों को पुलिस मित्र बनाया जाएगा जो पुलिस की मदद कर सकें।
सिग्नेचर बिल्डिंग के उद्घाटन पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। अखिलेश ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। सीएम मीडिया सलाहकार बोले हैं, श्रेय लेने की होड़ में सच्चाई को मत भूलिए। अयोध्या मामले में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन बोले, भगवान की परिक्रमा के सबूत नहीं हो सकते। चिन्मयानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, लॉ छात्रा के बयान पर दर्ज, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लड़की से की मुलाकात, मां बाप को भी सुरक्षा देने के लिए थे आदेश। आजमगढ़ जिला जेल बना है अय्यासी का अड्डा, अधिकारियों की मिलीभगत से मोबाइल चला रहे हैं कैदी, खुलेआम हो रहा है नशे का खेल। प्रदेश में नहीं रुकी बच्चा चोरों की अफवाह, भीड़ में अमेठी में भीड़ ने मजदूर की पीट पीट कर की हत्या, आजमगढ़ में बच्चा चोरी के शक में मानसी विक्षिप्त की पिटाई। अलीगढ़ में दबार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने फर्जी वकीलों के खिलाफ मुहिम शुरू की, जिसके तहत आज अधिवक्ताओं ने हड़ताल भी की और सभी अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायत पत्र फर्जी अधिवक्ताओं के खिलाफ दिया। उन्नाव में जाजमऊ भाटिया जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया, वाह। क्यों, अब आया स्वाद? बिल्कुल, अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच, MDH, MDH। औरत हूँ, कमजोर नहीं, महीने के उन दिनों में कमजोरी आ जाती है ना वैद्यनाथ सुंदरी सखी, क्योंकि मजबूत नारी कभी ना हारी। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया, खुदी को आजमाया। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। कोई मम्मी के बेटे नहीं हो तुम। मम्मी के बच्चे नहीं हो तुम, प्यारे प्यारे प्यारे। कोई मम्मी के बच्चे नहीं हो प्यारे प्यारे। मम्मी के बच्चे नहीं हो तुम प्यारे। मैं बिल्कुल बच्चे नहीं हो जाते प्यारे तुम्हारे। मम्मी के बेटे हैं। कोई बेटे नहीं है मम्मी के। आपने सुना होगा कि तोता किसी भी बात को रटने में माहिर होता है, आप जो भी उसे सिखाते हैं वो उसे ठीक वैसे ही याद कर लेता है। कोई बेटे नहीं है मेरे। कोई चुलबुल नहीं। चुलबुल मत संज, मत जाना इसकी तरफ। इस वीडियो को देखिए, इसे देखकर आपको तोते पर प्यार भी आएगा और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान भी आएगी। नहीं उठेगा। सुन रहा तेरी चुलबुल, चुप हो जा बिल्कुल। बिल्कुल मम्मी तुम्हारी नहीं हूं मैं। हो गई रामायण खत्म। कोई सीटी मत मारो। मम्मी के बेटे हैं। बिल्कुल नहीं है। मम्मी के प्यारे प्यारे। कोई प्यारे नहीं हो मेरे। कहते हैं कि टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो किसी भी उम्र में आप उसका लोहा मनवा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों में स्टेज पर बैठे इस छोटे से बच्चे को देखिए। इसकी उम्र महज 3 या 4 साल है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में भी तबले पर इसके हाथ कुछ ऐसे चलते हैं जैसे इसको कई बरसों का अनुभव हो। तबले पर जब इस मासूम के छोटे छोटे हाथों की थाप पड़ी तो वो बड़े बड़ों पर भारी पड़ गई। लोग वाह किए बिना रह नहीं पाए और इस कार्यक्रम में मौजूद लोग खुद को बच्चे का वीडियो बनाने से नहीं रोक पाए।
ये वीडियो फ्लोरिडा के मैकडोनाल्ड का है। यहाँ एक शख्स जब अपना ऑर्डर लेने आया तो पेमेंट करते वक्त उसने वहाँ के कर्मचारी को कुछ अपशब्द कहे और उसका कॉलर पकड़ लिया। शायद इस शख्स को लगा कि कस्टमर होने के नाते कोई भी कर्मचारी उसे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही इस शख्स ने उस महिला कर्मचारी से बदतमीजी की और उसका कॉलर पकड़ा, उस महिला कर्मचारी ने उस शख्स का कॉलर पकड़कर उस पर घूंसों की बरसात कर दी और लगातार मारती ही रही। लड़ाई ज्यादा भयंकर रूप ले इससे पहले वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने बीच बचाव कर उस शख्स को बचा लिया। आजकल लोगों में एक बेहद अजीब सा शौक देखने को मिल रहा है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा, हर कोई सांपों के साथ खेल रहा है बिना ये सोचे कि इस तरह सांपों से खेलना किस कदर खतरनाक हो सकता है। अब आप ये वीडियो देख लीजिए। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स एक छोटे से सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और आखिर में उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी दांव उल्टा पड़ जाता है और सांप गुस्से में उस शख्स को काटने की कोशिश करता है। खैर वो शख्स तो बच जाता है, लेकिन उसकी धोती को सांप पकड़ लेता है। बहुत कोशिशों के बाद भी जब सांप उसकी धोती को नहीं छोड़ता तो वो शख्स सांप और धोती दोनों को छोड़कर भाग खड़ा होता है। आधी से ज्यादा दुनिया इस वक्त बाढ़ से बेहाल है और बाढ़ से होने वाली बर्बादी थमने का नाम नहीं ले रही। बाढ़ का ये पानी अपने सबसे विनाशक रूप में दिख रहा है, जिससे ना तो इंसान बच पा रहा है, न गाड़ी, न बड़े से बड़ा पुल और न ही भारी भरकम। इस वीडियो को देखिए, हर तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में बह रही है, वहीं पुल पर लटके इन लोगों को देखिए। ये लोग बचने के लिए इस पुल पर चढ़े हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि इनका हाथ छूट जाता है और कुछ लोग बाढ़ में बह जाते हैं। लोगों में अलग अलग तरह का टैलेंट होता है और इसी से वो अपनी पहचान बनाते हैं। ऐसा ही कुछ टैलेंट है तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स के अंदर। कैरम पर इस शख्स का हाथ इतना सटीक है, इसका कोई भी शॉट खाली नहीं जाता और रानी तो बार बार इसी को मिलती है। इस वीडियो और इस शख्स के अजब टैलेंट को आप खुद ही देख लीजिए।